नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं फिर से आ गया हूं अपने चैनल शरद त्रिपाठी में एक नया वीडियो लेके, जो आपको 12th के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला वीडियो है 12th में, चैप्टर नेम है अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें देखिए पहला फार्मूला आप देख लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा और नौवा। अब 12th में वैद्युत फ्लक्स तथा गौरत्व में, इसमें पहला फार्मूला, दूसरा और तीसरा, फिर इसी तरह तीसरा वैद्युत विभव, तो उसमें पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अध्याय चार संधारित्र तथा परावैद्युतांक है, तो इसमें है पहला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा है। इसमें जैसा कि पांच फार्मूले संधारित्र तथा परावैद्युत में। अब चलते हैं अध्याय पांच वैद्युत चालन। इसमें पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इसमें छह फार्मूले हैं वैद्युत चालन में। अब चलते हैं अध्याय सिक्स किरचॉफ के नियम और वैद्युत परिपथ। तो इसमें पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब जैसा कि 12th में अध्याय सात है फिजिक्स में, उसका नेम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। उसमें पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला, छठवां, सातवां, इसमें सात फार्मूला। अब 12th जैसे फिजिक्स में चैप्टर नंबर आठ धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, इसमें पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला, छठवां फार्मूला, सातवां फार्मूला। अब जैसा कि फिजिक्स 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर नौ जो है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, उसमें ओनली हमारे में तीन ही फार्मूले, पृथ्वी का चुंबकत्व और उदासीन बिंदु और चुंबकीय गुण। जैसा कि अध्याय 10 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें कुल मिला के छः फार्मूले हैं, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, गतिक विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियमों की उत्पत्ति, स्वप्रेरकत्व और नॉन प्रेरकत्व। अब जैसा कि अध्याय 11 प्रत्यावर्ती धारा है, तो उसमें कुल मिला के सात फार्मूले हैं, घूमती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, व्यास धारा, धारा की आवृत्ति या आयाम, और फिर दूसरा जो है प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान, शिखर मान एवं वर्गमान, माध्यम मूल मान, और तीसरा केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा, चौथा प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व यल युक्त परिपथ, पांचवा है LCR परिपथ, छठवां प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति शक्ति गुणांक, और जो सातवां है LCR श्रेणी अनुनाद परिपथ। और जो हमारा 12th में 12 चैप्टर है विद्युतीय चुंबकीय तरंगे, इसमें एक दो फार्मूले हैं, वो हम 10, 9, 11 में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने 12वां चैप्टर का नहीं लिखा। तो ऐसे आपकी ये जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स की 12th में, उसके आल फार्मूले ये लिखे हुए हैं एक से लगा के 12th चैप्टर तक। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। ये यहाँ पे लिखा है मेड बाई शरद त्रिपाठी, शरद त्रिपाठी मेरे चैनल का नेम है, और यहाँ लिख दिया है मैंने कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं नहीं। जैसा कि मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये एक चैप्टर है, ये सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, ये फोर्थ चैप्टर है, और ये जो है आपका फिफ्थ चैप्टर है, ये है जो आपका सिक्स्थ चैप्टर, ये सेवन चैप्टर है, और ये जो है आपका एट चैप्टर है, और ये जो आपका है नाइन चैप्टर है पृथ्वी का चुंबकत्व, ये आपका टेन चैप्टर है, ये आपका इलेवन चैप्टर है, और ये आपका ट्वेल्थ चैप्टर है।